Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. I hope you are fine. So guys, welcome to my channel Furqan Science Academy. मैं हूँ आपका host Furqan Ali. तो आज मैं MS PowerPoint का अगला मेन्यू आपको करवाऊँगा. तो इसमें हमारे पास है, हमने last time design मेन्यू पढ़ा था, आगे हमारे पास है transaction मेन्यू. तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम अपनी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको ट्रांजैक्शंस वगैरह लगाते हैं. तो लेट्स सपोज मैं इसमें अभी एक स्लाइड इंसर्ट है, अभी मैं दो तीन स्लाइड्स और ऐड कर देता हूँ. जैसे ये लेट्स सपोज इसको मैं लिख देता हूँ, इस स्लाइड में लिख देता हूँ लोगो. तो इसमें हम इसकी पिक्चर लगाएंगे. तो हमारा जो चैनल है उसकी पिक्चर लेट्स को ये हमारे पास ये पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, अगर नहीं तो आप इधर से भी इंसर्ट पिक्चर्स करवा सकते हैं. Shutterstock Music. तो ये हमारे पास इसका लोगो है एकेडमी का, ये मैं लगा देता हूँ. ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा हूँ, ये भी मैंने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है इसलिए शायद आपको नज़र सही ना आ रहा हो. Shutterstock Music. तो मैं इस तरह इसको कर देता हूँ, इसको ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अगर हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर की जो फॉर्मेटिंग है वो पिक्चर की फॉर्मेटिंग सामने आ जाएगी. ठीक है, तो ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग है, ये एक स्लाइड होगी. अब इसको लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने दरमियान में करना, ये जो लोगो लिखा हुआ है इसको मैं इधर कर देता हूँ. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक और स्लाइड ले लेते हैं. तो इसमें मैं इसका एकेडमी का जो एड्रेस है वो मैं लिख देता हूँ. Shutterstock Music. तो इसमें नीचे हम इसका जो हमारा एड्रेस है वो लिख देता हूँ. लेट्स सपोज मेन बाजार तो के अमान. बटापुर लाहौर. ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस आ गया, इसको भी मैं इधर दरमियान में कर देता हूँ. ये जो है इसको मैं कंट्रोल ई करके सेंट्रल अलाइनमेंट कर देता हूँ और इधर से इसको नीचे कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और स्लाइड लगा देता हूँ मैं, इसमें अपनी पिक्चर लगा देंगे. तो लेट्स सपोज इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल और इधर पिक्चर लगा देता हूँ. इसमें ये पिक्चर है मेरी, तो इसको इंसर्ट कर देते हैं. इसको ना हम सेंटर में कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास तीन चार स्लाइड्स हो गई हैं. तो हमने अब इसको क्या करना है, ट्रांजैक्शन लगवानी है. तो लेट्स सपोज ये हमारे पास जितने भी हैं ये सारे इसके हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं इनकी ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो लेट्स सपोज एक मैंने फ्लैश सेलेक्ट किया, तो जैसे वो फ्लैश एक लगता है ना वो आ गया. अब अनकवर करेंगे तो ये देखें, जैसे कि अनकवर हम पेज ऊपर से ऐसे अनकवर करते हैं ना, वो ये स्वाइप है, शेप है सॉरी. तो ये रैंडम बार्स हैं, तो इनमें से ये मुख्तलिफ इसके डिज़ाइंस हैं, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारी ट्रांजैक्शंस हैं. ये आप अगर आपने रोटेट करना है तो ये देखें इस तरह रोटेट होगा. अगर आपने इनमें से कोई भी आपने सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी ये मैंने एक स्लाइड पे सेलेक्ट किया है तो इसको लग गया. अब ऐसे ही मैं इसको तमाम स्लाइड्स को अलग-अलग एक एक करके लगा दूंगा. ठीक है, उसके
उसके बाद ये अगली स्लाइड है। ऐसे ही ये लास्ट स्लाइड है, इसको मैं लगा देता हूँ ट्रांजैक्शन, तो ये मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये चार स्लाइड्स हैं, उनको हमारी ट्रांजैक्शंस लग गई हैं। तो जो सबसे पहली स्लाइड थी उसको मैंने ये फेरियस व्हील वाला ट्रांजैक्शन लगाया था। तो अगर मैं इसका ये हमारे पास एक इसमें ये ऑप्शन है, इफेक्ट्स की ऑप्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये फ्रॉम राइट आ रहा था, ये फ्रॉम राइट मूव कर रहा था, अगर आप चाहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट मूव करें तो आप इधर सेलेक्ट करें। तो ये देखें, अभी इधर से हमारा ये जो लोगो है इधर से आया है। ठीक है, अगर हम फ्रॉम राइट करेंगे तो हमारा लोगो जो है, ये नेम जो लिखा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, ये इसमें ऑप्शंस हैं, वो भी आप इसकी इफेक्ट्स वगैरह चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेट्स सपोज ये अगली स्लाइड है, तो इसका इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें ये क्रश करता है ऐसे, तो इसमें इफेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अगली स्लाइड देखता हूँ तो उसमें भी हमारे पास फ्रैक्चर है। इसमें क्या होता है, ये जैसे शीशा टूट जाता है उस तरह की इसमें है, ये इसका भी इफेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास है रिपल, यानी कि दरमियान में से ऐसे वेव्स जैसे बनती हैं। अगर आप दरमियान में से करना चाह रहे हैं तो अगर आप फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, तो ये लेफ्ट कॉर्नर से हो जाएगी रिपल। ठीक है, अगर राइट कॉर्नर से करना चाह रहे हैं तो राइट से, टॉप लेफ्ट से, तो ये हम जैसे आपने इफेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको इधर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी चार स्लाइड थी, इनको मैंने ये ट्रांजैक्शन लगाई है। तो आगे हमारे पास क्या है इसी मेन्यू में, ट्रांजैक्शन वाले मेन्यू में, साउंड। तो सबसे पहली जो स्लाइड है उस पर मैंने साउंड को ही लगाना है, तो अभी इसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी नहीं है, तो लेट्स सपोज मैं ये वाला साउंड लगा देता हूँ। तो ये इसमें क्लैपिंग का साउंड होता है, ये हमारे पास इसमें लग जाएगा। तो इसकी ड्यूरेशन ऐसे ही आपने अगली जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको वन बाय वन, अगर आपने साउंड कोई ना कोई लगाना हो तो ये कैमरा है, जैसे कैमरा क्लिक करते हैं, ये क्लिक है, तो ये ड्रम रोल है, ये एक्सप्लोजन है, ये लेज़र है। ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे पास, ये टाइपराइटर की नॉइस है, तो इस तरह की ना साउंड हमारे पास पड़ी हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांजैक्शन जो हैं वो और भी अच्छी अच्छी वाली ट्रांजैक्शंस भी हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक है, ये भी है, तो इनमें जो आपको ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना होगी वो आप ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ड्यूरेशन है, साउंड के बाद ड्यूरेशन है, तो यानी कि एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से कितनी ड्यूरेशन के बाद आगे जाएगी, तो ये बाय डिफॉल्ट 2 मिनट्स हैं। अगर आप इनको बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका डाटा ज़्यादा है बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं। अभी मेरा डाटा कम है तो मैं इसको 1 सेकेंड या 25 सेकेंड के बाद करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर जितनी भी ड्यूरेशन रखनी है रख के अप्लाई टू ऑल करूँगा, तो तमाम पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये है एडवांस स्लाइड, यानी कि अगली स्लाइड कैसे आएगी। ऑन माउस क्लिक, हम माउस क्लिक करेंगे फिर अगली स्लाइड आएगी। ठीक है, अगर आप नहीं माउस क्लिक करना चाह रहे हैं, टाइम लगाना चाह रहे हैं आफ्टर, तो मैं कह देता हूँ आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, तो ये 1 मिनट बाद हमारी स्लाइड जो है वो आगे मूव हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे सेव करेंगे कंट्रोल एस दबा के, तो ये हमारे पूछेगा आपने कहाँ पर इसको सेव करना है, तो मैं कहता हूँ डी में ही सेव करना है, और इसका नेम कुछ भी मैंने ये लिखा हुआ तो यही लिखा रहने देते हैं। ये हमारी पहले से भी है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे। तो सेव करेंगे, तो ये हमारी स्लाइड जो है वो सेव हो गई, हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसको प्रेजेंट करवाएंगे तो देखें, मैं F5 अप्लाई टू ऑल, और ये हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन है। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड जो थी उसमें जो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी वही तमाम पे अप्लाई टू ऑल जब हमने किया था वो तमाम पे लगी थी, तो आप इधर से वगैरह दे सकते हैं। ये अभी नहीं सही लग रही, तो मैं और कोई ट्रांजैक्शन लगा देता हूँ इसमें, ये वाली
बाद ये वाली मूवी ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस मैंने लगाई हैं कुछ, तो इनको सेव करूंगा और फिर मैं F5 प्रेस बाद ये हमारे पास ये इतनी आ गई है। तो ये जितनी आपने ड्यूरेशन लगाएगी उसके हिसाब से ये चेंज होती जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।